हेलो एंड वेलकम टू एस नमाज क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो पॉइंट है कंपनी। कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी के डेफिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंपनी किस तरीके से मार्केट में शेयर इशू करती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट है कंपनी। इससे पहले क्लास 11 में हम लोगों ने प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, कोऑपरेटिव बिजनेस भी पढ़ा, लेकिन अब हम लोग कॉरपोरेट वर्ल्ड में जा रहे हैं तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपनी के डेफिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर कंपनी कहते किसे हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सम सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड कॉमन सेल। तो आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं आखिर ये सारा टर्म का मतलब क्या होता है, इन सब टर्म का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल से आप तो समझते होंगे एक ऐसा पर्सन जिसे बनाया गया हो हम लोगों के ज़रिया, वो खुद नहीं बना, जैसे हम लोगों को ईश्वर ने अल्लाह ने बनाया है, लेकिन कंपनी को हम लोगों ने मिलकर एक पर्सन का दर्जा दिया है। हम लोगों ने मिलकर इसे दर्जा दिया है किसके थ्रू, क्रिएटेड बाय लॉ, और इसे बनाने वाला कौन है, लॉ, कानून। कानून के द्वारा एक कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है, वजूद में आता है, और हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। तो हम लोगों ने ये पढ़ा ना, क्रिएटेड बाय लॉ। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे हम लोगों ने मिलकर बनाया, मतलब क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के जरिया ये बना है, ये क्रिएटेड बाय लॉ है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका एक अलग पहचान है। अलग पहचान का ये मतलब है वो ओनर से अलग है। अलग पहचान का मतलब वो ओनर से बिल्कुल अलग है, मतलब कंपनी एज अ पर्सन के तौर पे किसी के ऊपर भी, किसी और कंपनी के ऊपर वो केस भी कर सकता है, या इस कंपनी के ऊपर कोई और लोग भी केस कर सकते हैं। तो कंपनी पे केस करने का मतलब ओनर पे केस करना नहीं होता। ओनर जो हो गए इसके शेयर होल्डर हो गए, ये अभी हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल कि हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका एक अलग लीगल एंटिटी है, एक अलग स्टेटस है कंपनी के ऊपर। अगर हम लोग कुछ भी लेन देन करते हैं, अगर मान लीजिए रिलायंस लिमिटेड एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम लोग रिलायंस से बिजनेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग रिलायंस कंपनी से बिजनेस कर रहे हैं, हम अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी से बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी कोई और है और रिलायंस लिमिटेड कोई और है, मतलब दोनों अलग अलग पर्सन माना जाएगा। इसके बाद विद अ परपेचुअल सक्सेशन का ये मतलब होता है, परपेचुअल सक्सेशन है क्या, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है, देखिए जब पार्टनर, जब प्रोप्राइटरशिप होता है तो प्रोप्राइटरशिप में हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक ओनर है और वो ओनर बिजनेस कर रहा है, एक ओनर है और वो ओनर बिजनेस कर रहा है, मान लीजिए ये एक बेचारा ओनर है और ये बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और अगर इसकी मौत हो जाती है, अगर ये मर गया, मान लीजिए मर गया तो इसका बिजनेस कौन देखेगा, तो इसका बिजनेस ख़त्म। उसी तरीके से अगर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में क्या है, दो लोग हैं, पार्टनरशिप में मान लेते हैं दो लोग हैं, दो लोग में से किसी एक की भी मौत अगर हो गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया तो पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ कंपनी, यहाँ पे बहुत सारे ओनर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ओनर्स होते हैं, बहुत सारे ओनर्स इस कंपनी में होते हैं, इतने सारे ओनर्स होते हैं, और इनको जो रन करता है वो डायरेक्टर्स रन करते हैं। तो किसी भी एक ओनर के मरने के वजह से ये बंद नहीं होता, ये चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। तो एंड कॉमन सील, कॉमन सील जो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कंपनी का, कॉमन सील का ये मतलब है कि हम सब लोग अगर किसी डॉक्यूमेंट में साइन करना होता है तो हम खुद साइन करते हैं, लेकिन कंपनी को एक अलग पर्सन ट्रीट किया गया है, कंपनी एक अलग पर्सन है। अलग पर्सन का ये मतलब है कि अगर कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें एक कॉमन सील लगता है,
ये कॉमन सील का मतलब ये होता है कि हाँ कंपनी के तरफ से एक सिग्नेचर माना जाता है ये। तो जनरली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कॉमन सील दिया जाता है कंपनी का, ये एक सिग्नेचर हम लोग कह सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, कंपनी के बारे में तो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया। हम लोगों का आज मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इशू ऑफ शेयर्स है। ये शेयर हम लोग क्यों इशू करते हैं, शेयर क्यों इशू किया जाता है। हम सब जानते हैं कि बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है, तो आइए हम लोग कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो है कैपिटल, और कैपिटल से जुड़ा हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं शेयर्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल क्या है, कैपिटल से हम लोग क्या समझते हैं। हम सब जानते हैं कि किसी भी तरह के बिजनेस के लिए कैपिटल बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए कैपिटल को हम लोग लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस कहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के शरीर में खून कैसे दौड़ता है, उसी तरीके से बिजनेस में खून के तरह कैपिटल दौड़ता है। जिस बिजनेस में भी कैपिटल ना हो वो बिजनेस सही चल नहीं सकता है। हर एक बिजनेस को कैपिटल की ज़रूरत होती है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो। तो आइए देखते हैं कि अगर एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, इस प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कितना मालिक होता है, एक मालिक होता है। ये एक मालिक जो बिजनेस करता है इसके पास ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा होगा, मान लीजिए कि इसके पास 50,000 होगा, या चलो 1,00,000 होता है, चलो 1.5 लाख या 2 लाख रुपया इसके पास होता है, तो इसके पास जितना रुपया होगा वो उतना लगाएगा। मान लीजिए इसके पास सब कुछ बेच बाज के अगर इसके पास कुल मिलाकर 2 लाख रुपया हुआ, तो वो बिजनेस में हार्डली कितना लगा सकता है, 2 लाख रुपया लगा सकता है। इससे ज्यादा वो कैपिटल नहीं रख सकता अपने बिजनेस में, तो उसका बिजनेस भी छोटा होगा। लेकिन फिर ये सोचेगा कि नहीं, मैं अकेला सिर्फ 2 लाख रुपया लगा सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि एक पार्टनर को बुलाऊंगा कि आ भाई पार्टनर तू मेरे साथ बिजनेस कर, किसी दोस्त को दावत देगा और उसके ऊपर भरोसा करके उसे अपने बिजनेस में लाएगा। तो चलो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या हो सकता है, पार्टनरशिप। वो क्या करेगा, पार्टनरशिप रखेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, एक से ज्यादा लोग होते हैं। एक से ज्यादा लोगों का मतलब यह है कि एक बंदा था पहले, अब उसने दूसरे को दावत दिया, तीसरे को दिया, चौथे पांचवे, ऐसे करके 20-50 लोग भी अभी के वक्त में पार्टनरशिप में हो सकते हैं। तो ये सारे लोग अगर सब लोग मिलकर अगर 2-2 लाख रुपया दिए और बिजनेस में मान लो 10 पार्टनर है, मान लो 10 पार्टनर है, तो कितना हो गया कुल मिलाकर, तो कुल मिलाकर कितना आ सकता है, 20 लाख रुपया पार्टनरशिप बिजनेस में आ सकता है। लेकिन यहां पे भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स लिमिटेड होते हैं, पार्टनरशिप में कैपिटल लिमिटेड हो गया, तो और इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। तो एक्सपैंड हो सकता है लेकिन ये उस लेवल तक एक्सपैंड नहीं हो सकता। लेकिन अब आ जाते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कंपनी, कंपनी के केस में इस कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। वो कैसे, कंपनी जब फॉर्मेशन में आती है, मान लो कि एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है, कोई भी एक कंपनी अगर हम लिखते हैं, मान लो कि एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है शाह एंड शाह कंपनी। मान लेते हैं इस कंपनी का नाम शाह एंड शाह कंपनी है। ये कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है ना, तो फॉर्मेशन के टाइम में ही इसका कैपिटल को फिक्स कर लिया जाता है। इस कैपिटल को हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं, या फिर इसे हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। तो जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम में ही ये फिक्स कर लिया जाता है कि रजिस्टर्ड कैपिटल कितना होगा। इस कैपिटल का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास ऑथराइजेशन है कि मैक्सिमम लिमिट तक वो इतना ही कैपिटल अपने पूरे लाइफ टाइम में रेज कर सकती है, इससे ज्यादा वो रेज
नहीं कर सकती, मतलब इससे ज्यादा वो कैपिटल नहीं बढ़ा सकती। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई भी एक कंपनी है, अगर मान लो कि वो 50 लाख वो 50 लाख रुपया का कैपिटल रेज करना चाहती है, वो कितना लाख रुपया का कैपिटल रेज करना चाहती है, वो 50 लाख रुपया का कैपिटल रेज करना चाहती है, मतलब वो अपने बिजनेस में कुल मिलाकर 50 लाख तक का ही कैपिटल ला सकती है। अब ये कैपिटल लाएंगे कौन? तो कंपनी में, किसी भी कंपनी में, मान लो ये शाहनशाह कंपनी जो है, इस कंपनी में ये जो पैसा आएगा, ये पैसा कौन देगा? ये पैसा देने वाला जो होगा वो कौन होगा? सबसे पहले तो ये पैसा जो प्रोमोटर्स होते हैं, प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी, प्रोमोटर्स कौन है भाई? ये वो लोग हैं जिनके आइडिया में ये आया था कि नहीं, हमें एक कंपनी बनाना चाहिए, और वो लोग कंपनी को लेकर आते हैं, कंपनी के वजूद को लेकर आते हैं, और कंपनी के बुनियाद रखने वालों में से हैं। ये होते हैं प्रोमोटर्स, और ये प्रोमोटर्स जो होते हैं, या तो ये पैसा, ये सारा पैसा प्रोमोटर्स लेकर आए, नहीं तो बहुत सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं, तो बैंक के द्वारा भी ये पैसा आ सकता है। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो भी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इस कंपनी का शेयर खरीदते हैं। शेयर क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये लोग कैपिटल लगा सकते हैं। और पैसा कहां से आ सकता है? और एक जो मेन सोर्स होता है वो होता है पब्लिक। पब्लिक में ये शेयर्स को इशू किया जा सकता है। अब देखिए, ये बार बार ये शेयर्स इशू किया जा सकता है, शेयर्स इशू किया जा सकता है, आखिर ये शेयर्स होता क्या है? कंपनी के पास ऑथराइजेशन कितना का है, मतलब कितना तक वो कैपिटल रेज कर सकती है? वो कंपनी कुल मिलाकर 50 लाख रुपया तक का रेज कर सकती है। मान लीजिए ये कंपनी है, ये कंपनी का कैपिटल जो है वो 50 लाख रुपया है, ये 50 लाख रुपया है, तो कंपनी क्या करती है ना, इस 50 लाख रुपए को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। तो मान लो कि कंपनी ने अपने इस 50 लाख रुपए को 10 रुपया में बांट दिया है, तो 10-10 रुपया में अगर वो बांट देती है, तो मान लो 10 रुपया से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो गया, तो ये कुल मिलाकर 5 लाख हिस्सा हो गया। इस 5 लाख हिस्से को हम लोग 5 लाख शेयर्स कहते हैं। तो ये जो कंपनी था, ये कंपनी कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें, ये कंपनी था ऐसे छोटे 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 हिस्सों में, ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में हर एक हिस्सा जो हुआ ये 10 रुपये का शेयर कहलाया। कितना का शेयर कहलाया? 10 रुपये का शेयर कहलाया। तो हर एक छोटा हिस्सा जो होता है, मान लीजिए कि हर एक छोटा 5 लाख हिस्सा बना और हर एक हिस्सा 10 रुपये का है, तो 5 लाख हिस्सा है और हर एक हिस्सा 10 रुपये का है, इसका मतलब टोटल कितना रुपया का वैल्यू हो गया? 50 लाख का वैल्यू। तो इस 50 लाख रुपए को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया और ये हर एक छोटा हिस्सा को शेयर्स कहते हैं। तो पब्लिक के पास जब हम जाते हैं तो पब्लिक को कहते हैं कि भाइयों देखो, मेरा जो कंपनी है, ये कंपनी मार्केट में शेयर इशू करना चाहता है, मेरा कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। ये सारा बात हम किसके थ्रू बताएंगे? हम अपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू बताएंगे। हम मार्केट में अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, इसके जरिए लोगों को पता चलेगा कि शाह एंड शाह कंपनी मार्केट में अपना शेयर इशू करना चाहती है। तो भैया एक शेयर का दाम कितना है? एक शेयर का दाम 10 रुपए है, तो चलो भाई मैं 200 शेयर खरीदने को तैयार हूं। ऐसा पब्लिक सोचेंगे? पब्लिक कहेंगे कि नहीं, मैं 200 शेयर्स, मैं 400 शेयर्स खरीद लेता हूं, कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, कंपनी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। ये सारा चीज सोचकर पब्लिक ये सोचेगी कि मुझे भी ये जो छोटा छोटा हिस्सा है ये खरीदना है। क्यों सोचती है? क्योंकि हर एक पब्लिक
जो स्मॉल सेवर्स होते हैं वो सोचते हैं कि किसी बड़े कंपनी का वो भी मालिकाना हक ले लें, मतलब वो भी मालिक बन जाए। जब वो छोटे छोटे शेयर्स खरीदते हैं ना, तो वो शेयर होल्डर बनते हैं, और शेयर होल्डर का मतलब शेयर किसी भी कंपनी का मालिक होता है। तो हर एक शेयर होल्डर कंपनी का मालिक है, तो हर एक छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो हर एक लोग सोचते हैं कि मैं किसी बड़े कंपनी का मालिक बनूं। हाँ, वो कितना हिस्सा है उसका ये माने रखता है कि मान लो कि 5 लाख शेयर है, तो इसमें हो सकता है उसके पास 5% शेयर हो सकता है उसके पास 2% शेयर हो, इसमें से 10,000 शेयर्स उसके पास, 5,000 शेयर्स उसके पास हो। तो जितना हिस्सा शेयर्स का है उसके पास, उतना का वो शेयर होल्डर बना, मतलब कंपनी का ओनर बना, मतलब कंपनी का मालिक है भाई, वो कंपनी का मालिक है। अब रहा सवाल कि मान लो कि एक बंदा है जो कंपनी का 10,000 शेयर्स खरीदने को तैयार है, कंपनी का वो 10,000 शेयर्स खरीदने को तैयार है, तो 10,000 शेयर्स का मतलब क्या हो गया, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, इसका मतलब वो 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करने को तैयार है। उसके पास 1,00,000 रुपया है और वो 1,00,000 रुपया बिजनेस में लगाना चाहता है। इसके लिए वो क्या करेगा, कंपनी को एप्लीकेशन लिखेगा या अप्लाई करेगा कंपनी में, वो कहेगा कि मुझे इतना शेयर्स चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1,00,000 रुपया का कैपिटल का हिस्सा अब उसके पास होगा, ठीक है। तो अब रहा सवाल कि आखिर क्या प्रोसेस होता है शेयर इश्यू करने का। देखो क्या प्रोसेस होता है ये अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर ये शेयर इश्यू करने का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बहुत ही आसान है, जरा गौर से देखिएगा आप लोग। मान लेते हैं कि एक कंपनी जो है वो अपना ₹10 वाला शेयर, कुल मिलाकर एक शेयर का दाम उसका ₹10 है, और वो मार्केट में 50,000 शेयर इश्यू करना चाहती है। तो मार्केट में 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच वो इश्यू करना चाहती है, तो कुल मिलाकर कितना रुपया वो मार्केट से रेस करना चाहती है, तो वो मार्केट से कुल मिलाकर 5,00,000 रुपया रेस करना चाहती है। तो कंपनी इस पैसे को दो तरीके से रेस कर सकती है। तो कैसे रेस कर सकती है, एक तो फुल वो पैसा ले सकती है एक बार में, एट अ टाइम, एक बार में वो पूरा का पूरा पैसा वो पब्लिक से ले लेगी, और दूसरा ये तरीका है कि वो इंस्टॉलमेंट कर दे। कंपनी क्या करेगी, इंस्टॉलमेंट, कंपनी इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेगी। वो इंस्टॉलमेंट में कैसे लेगी, देखिए वो क्या कर सकती है कि ये जो ₹10 है, इस ₹10 को वो छोटे छोटे हिस्सों में बांटेगी। तो छोटे छोटे हिस्सों में कैसे बांटेगी, मान लेते हैं कि वो पहले इंस्टॉलमेंट में ₹2 लेगी, दूसरे इंस्टॉलमेंट में वो ₹3 लेगी, तीसरे इंस्टॉलमेंट को ₹5 लेगी। तो अलग अलग वो इंस्टॉलमेंट में बांट सकती है कंपनी अपने पैसे को। उसने कहा कि देखो पब्लिक, तुम्हें हम जो है वो 50,000 शेयर्स दे रहे हैं, तो आप क्या करो कि पहले इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप मुझे ₹2 दे दो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आप मुझे ₹3 दे दो, और थर्ड इंस्टॉलमेंट में आप मुझे ₹5 दे दो। तो कंपनी ने यहां क्या किया कि पब्लिक के आसानी के लिए यहां डिफरेंट इंस्टॉलमेंट कर दिया। तो मैंने तो यहां 3 बताया, लेकिन कंपनी यहां 4 इंस्टॉलमेंट भी कर सकती है, 5, 6, 7, 8 इंस्टॉलमेंट भी कंपनी कर सकती है। पहले इंस्टॉलमेंट का को मैंने तो यहां फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखा, लेकिन कंपनी क्या कहती है कि ये पहला इंस्टॉलमेंट जो होगा ये एप्लीकेशन होगा। क्या होगा, ये एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के टाइम में ये पहला इंस्टॉलमेंट देना होगा, जो कि मेरे एग्जांपल के हिसाब से ₹2 है। दूसरा जो इंस्टॉलमेंट होगा वो अलॉटमेंट कहलाएगा,
और तीसरा जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कॉल कहलाएगा। अब चार इंस्टॉलमेंट हुआ तो क्या, ये होगा पहला कॉल और फिर चौथा जो होगा वो सेकेंड कॉल कहलाएगा। इसी तरीके से कॉल्स डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में बढ़ सकते हैं, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकेंड कॉल भी हो सकता है, थर्ड कॉल भी हो सकता है, फोर्थ कॉल भी हो सकता है। तो कंपनी इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेती है। तो आखिर कंपनी इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में क्यों लेती है, एक बार में क्यों नहीं लेती? इसलिए नहीं लेती है कि मान लो कि आपको अगर पैसों का अभी जरूरत है, किसी से लेना है, तो आप उतना ही लोगे जितना आपको जरूरत है। मान लो कि ये कंपनी जो है सबसे पहले खरीदना चाहती है एक लैंड, उस लैंड में वो क्या करेगी, एक बिल्डिंग बनाएगी। तो पहले तो वो लैंड खरीदेगी, फिर वो बिल्डिंग बनाएगी, इस बिल्डिंग में वो क्या करेगी, मशीनरीज इंस्टॉल करेगी। तो क्या है, सब कुछ तो एक बार में नहीं हो रहा। पहले वो जमीन खरीदेगी तो वो क्या करेगी कि पहले एप्लीकेशन का पैसा लेगी कि भैया एप्लीकेशन का पैसा दे दो मुझे, 50,000 × 2 कितना रुपया हो गया, 1,00,000 रुपया। 50,000 × 2 करेंगे तो 1,00,000 रुपया होता है। अभी मुझे 1,00,000 रुपया का जरूरत है जिसमें हम जमीन खरीदेंगे। जब जमीन खरीद लेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपसे मांगेंगे। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का जब टाइम आएगा, मान लो कि अब मुझे इस पे बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग में जो खर्च होना है वो 1,50,000 रुपये का खर्च होना है, बिल्डिंग में कुल मिलाकर 1,50,000 रुपये का खर्च होना है। तो कंपनी क्या बोलेगी, अब मुझे आप अलॉटमेंट दो। तो कितना हो जाएगा, 50,000 × 3 मतलब 1,50,000 रुपया अलॉटमेंट मिल जाएगा, तो मेरा बिल्डिंग भी बन जाएगा। उसके बाद कंपनी बोलेगी कि अब मुझे इसमें मशीनरी इंस्टॉल करना है और मशीनरी इंस्टॉल करने में 2,50,000 रुपया लग जाएगा। तो कंपनी बोलेगी अब मुझे कॉल दो, तो पब्लिक क्या करेगी, कॉल का पैसा अब दे देगी। तो 50,000 शेयर्स है और 5 रुपया कॉल में है, तो वो 2,50,000 रुपया मशीनरी के लिए भी इंतजाम हो गया। तो जैसे जैसे कंपनी को पैसों का जरूरत पड़ता गया, पब्लिक ने वैसे वैसे कैपिटल का पैसा कंपनी को दे दिया। तो इसका मतलब हमारा जो ये पैसा होता है, ये जो शेयर का पर वैल्यू जो होता है 10 रुपया या जितना रुपया में भी हम लोग कंपनी शेयर को इश्यू करती है, 10 रुपया हो 20 रुपया हो, इस पैसे को अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पब्लिक से लिया जाता है। और इन इंस्टॉलमेंट को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, अगर कॉल एक से ज्यादा है तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल। इस तरीके से पैसा पब्लिक से रेज किया जाता है। इससे क्या होता है कि कंपनी का कैपिटल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि कंपनी यहां पे पब्लिक को कहती है कि भाई हम 1,00,000 शेयर्स इश्यू करना चाहते हैं, आप आओ अप्लाई करो, ऐसा कंपनी कहती है पब्लिक को। अब क्या ये जरूरी है कि ये पब्लिक पूरा का पूरा 1,00,000 के लिए अप्लाई कर दे? ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरा 1,00,000 के लिए अप्लाई कर दे। तो इसके लिए अलग अलग स्टेज होता है। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि वो डिफरेंट स्टेजेस जो शेयर का होता है, कि शेयर का जो कैपिटल पब्लिक देती है, ये अलग अलग स्टेजेस जो होता है शेयर कैपिटल का, वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शेयर कैपिटल कितना तरह का शेयर कैपिटल हो सकता है। आइए अब हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहां पे अलग अलग तरह का शेयर कैपिटल मेरा यहां पे गिवन है। सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल हम लोग किसे कहते हैं, देखिए ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब है कि ये कुल मिलाकर टोटल कैपिटल है जो के कंपनी पब्लिक से रेज कर सकती है। कुल मिलाकर कैपिटल इतना ही रेज हो सकता है, इससे ज्यादा पूरे लाइफ टाइम में, कंपनी के लाइफ टाइम में इससे ज्यादा कैपिटल रेज नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें कि ये रेज किया जा सकता है। तो क्या है यहां पे लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स विच अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कैपिटल रेज कर सकती है उसे हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। इट पुट्स अ लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ द कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम एंड इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। इस ऑथराइज्ड कैपिटल को हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं।
इसे हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। मान लो कि एक कंपनी है, कोई एक कंपनी है, वो 1,00,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच वो रख सकती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑथराइज्ड, मतलब इससे ज्यादा वो कैपिटल रेज नहीं कर सकती। उसे ये इंस्ट्रक्शन है कि वो 1,00,000 शेयर्स ₹10 वाला कर सकती है। इसका मतलब ये कितना हो गया, ₹10,00,000 पब्लिक से ला सकती है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इशूड शेयर कैपिटल। ये इशूड शेयर कैपिटल क्या है कि इस 1,00,000 शेयर्स में से कंपनी को जितना जरूरत होगा अभी, वो जरूरत के मुताबिक उतना ही शेयर इशू करेगी पब्लिक में, जितना इसको कैपिटल का। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि पहले वो लैंड खरीदेगी, उसके बाद वो बिल्डिंग खरीदेगी, उसके बाद उसमें मशीनरी इंस्टॉल्ड होगा, तो हर एक बार कैपिटल का जरूरत होगा। तो उसी तरीके से जब कंपनी को जरूरत होगा पैसे का, तब वो शेयर इशू करेगी। तो मान लो कि अभी इसमें से इशूड कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है कि इशूड कैपिटल में इसी 1,00,000 में से, इसी 1,00,000 रुपए में से, 1,00,000 शेयर्स में से मान लो कि 40,000 शेयर्स अभी इशू करना चाहती है, 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो इसका मतलब वो कितना इशू करना चाहती है, वो 4,00,000 रुपया। तो 10,00,000 में से वो 4,00,000 रुपया वो अभी इशू करना चाहती है पब्लिक के पास, तो ये कहलाएगा इशूड कैपिटल। तो अभी अगर मान लो कि एक कंपनी 40,000 शेयर्स इशू करती है और पब्लिक को बोलती है कि हम अपना शेयर इशू कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप खरीद लो मेरा शेयर और शेयर होल्डर बन जाओ। लेकिन अब डिपेंड करता है कि पब्लिक, अब क्या हो गया कि मान लो कि पब्लिक जो है अब ये पब्लिक के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कंपनी को कितना ज्यादा पसंद करती है या पसंद नहीं करती। तो अब कंपनी के पास, कंपनी इशू करना चाहता है 40,000, लेकिन इसमें से पब्लिक कितना लेना चाहती है, मान लो कि पब्लिक इसमें से सिर्फ 35,000 शेयर्स लेना चाहती है, 35,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये 35,000 जो शेयर्स हो गया ये सब्सक्राइब कैपिटल हो गया, इट इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का ये वो हिस्सा है विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। तो इससे मतलब ऑथराइज क्लियर है कि ऑथराइज पूरा 1,00,000 था, इससे ज्यादा शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती। इशूड कैपिटल क्या हो गया, ये इसी ऑथराइज कैपिटल का हिस्सा है जितना के अभी कंपनी को जरूरत है, अभी वो पब्लिक में इशू करना चाहती है। लेकिन इस इशूड कैपिटल में से पब्लिक ने कितना इंटरेस्ट दिखाया और पब्लिक ने कितना अप्लाई किया, तो पब्लिक ने 35,000 शेयर्स के लिए अगर सब्सक्राइब किया या अप्लाई किया तो उसे हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, अभी हमने आपको ये समझाया था कि कंपनी अपने पैसे को डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में बांट देती है, फिर हर एक इंस्टॉलमेंट को वो कॉल करती है कि भैया ये इंस्टॉलमेंट पे कर दो, तो पब्लिक क्या करती है उस इंस्टॉलमेंट को पे कर देती है। तो कॉल्ड अप कैपिटल हम लोग किसे कहते हैं, मान लो कि एक पब्लिक कंपनी जो है वो ₹2, ₹3 और ₹5 में लेना चाहती है, ₹2 एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट के टाइम में और ₹5 कॉल के टाइम में लेना चाहती है। तो अगर मान लो कि मैंने अभी सिर्फ ये ₹2 और ₹3 कुल मिलाकर कितना हो गया, ₹5, अब तक मैंने ₹5 ही पब्लिक से मांगा है, तो ₹5 जो मैंने मांगा है ये हमारा हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। तो अगर पब्लिक के पास 35,000 शेयर्स है, पब्लिक के पास अगर 35,000 शेयर्स है और ₹5 करके वो देगी, तो 35,000 इंटू 5 मतलब 1,75,000 रुपया वो पब्लिक से अभी लेना चाहती है। इसका मतलब 1,75,000 रुपया
कंपनी ने मांगा है, अब तक मांगा है कंपनी ने 2 रुपया और 3 रुपया मिला के 5 रुपया अब तक पब्लिक से कॉल किया है कि भैया आप लोग पेमेंट करो, मुझे पैसों की जरूरत है, आप मुझे पेमेंट करो, आप शेयर होल्डर है, आप शेयर होल्डर हो, आप मालिक हो, आप पेमेंट करो। तो ये 5 रुपया जो हो गया ये कहलाएगा कॉल्ड अप कैपिटल, ये कहलाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। तो इस ये रहा कॉल्ड अप कैपिटल 5 रुपया। अब कॉल्ड अप कैपिटल मतलब कंपनी ने मांगा है अभी 5 रुपया की भैया पैसा दो, 5 रुपया दो तुम। लेकिन पब्लिक हो सकता है कि इसमें से पूरा का पूरा 5 रुपया नहीं दी, या पूरे पब्लिक जितने भी पब्लिक हैं सब लोगों ने पैसा नहीं दिया। इनमें से जितने लोगों ने पैसा दिया, 5 रुपया मैंने कॉल किया लेकिन पब्लिक ने कितना पे किया, तो मान लो कि पब्लिक ने अभी इसमें से इतना रुपया में से अभी 4 रुपया पे किया, तो ये 4 रुपया जो होगा वो मेरा पेड अप शेयर कैपिटल होगा। तो पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, इट इज द पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर। कॉल्ड अप कैपिटल का ही हिस्सा कितना पब्लिक ने पे किया है वो मेरा कहलाएगा पेड अप कैपिटल। तो उम्मीद करते हैं कि ये डिफरेंट शेयर कैपिटल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, कंपनी किस तरीके से पब्लिक से मांगती है और किस तरीके से पब्लिक देता है, और इसका जर्नल एंट्री कंपनी के बुक में कैसे होता है ये हम लोग सीखेंगे, लेकिन वो हमारे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।